अनिल 14 दिन काट दिए तुमने? हाँ भाई बेटे, अभी 14 दिन कट गए ना, सब ठीक कटे। भैया भैया 14 दिन कट गए क्या? हाँ भाई दोस्त, 14 दिन कट गए। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर अभी मुझे बार 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 करना होगा, क्योंकि आज मेरे हो गए 14 दिन कंप्लीट। क्या कह रहे हो आप, इतना खुश क्यों है? तुम लोग 14 दिन का क्वारंटाइन अकेले इस पूरे भूतिया बंगला, नहीं रात को ना, सिर्फ रात को 14 दिन पूरे कैंपस में अकेले रहकर देखो, उसके बाद खुशी नहीं हुई ना, कसम से। ये अच्छा मूछ थोड़ी सी छोटी है अभी, ये मुझे, हाँ भाई छोटी है कोई बात नहीं, ये मुझे मैं कटवा दूंगा। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, व्हेनेवर यू आर वाचिंग दिस वीडियो, स्वागत है आपका मेरे एक और यूट्यूब ब्लॉग में। और आज के इस ब्लॉग में बात कुछ ऐसी है, तो बात कुछ ऐसी है, अभी 14 दिन हो गए हैं पूरे, और 14 दिन पूरे होने के उपलक्ष्य पर मुझे करनी है पहले रूम की नहीं, अपने सामान की पैकिंग। सामान की पैकिंग करने के बाद जाना डॉक्टर के पास, डॉक्टर के पास जाके लेना है सर्टिफिकेशन, और उसके बाद जाना है सीधा घर। घर जाके सबसे पहले भाई क्या करेंगे, क्या करूँगा, पिछली वीडियो देखी थी ना, तो घर जाकर अपन सबसे पहले नहाएंगे भाई, क्योंकि 14 दिन हो गए हैं पूरे और तुम्हारा भाई नहाया नहीं है, नहीं है। ये बात मैं इतनी खुशियों का कह रहा हूँ कि यार पता नहीं मैंने कितना बड़ा पहाड़ तोड़ दिया है। 14 दिन से इसलिए नहीं नहाया था बिकॉज मुझे डर था कि कहीं फीवर वगैरह ना हो जाए, क्योंकि छोड़ो यार पिछली वीडियो देख लो। बहुत बदबू है यार, बहुत ज्यादा। अच्छा तुमने चैनल को सब्सक्राइब किया भाई? चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मुझे नहीं पता बाय द एंड ऑफ जून मंथ मुझे इस चैनल में 2K सब्सक्राइबर चाहिए, और चाहिए ही चाहिए, मुझे नहीं पता यार तुम लोग कैसे दिलाओगे, और मुझे विश्वास तो है कि भाई तुम लोग दिला दोगे। तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, और सब्सक्राइबर बढ़ा दो, कह रहा हूँ बढ़ा दो सब्सक्राइबर। अच्छा तुम ये भी पूछ रहे हो कि 14 दिन में क्या अच्छी बातें लगी, क्या कुछ सीखा और क्या नुकसान हुआ? तो मेरे दोस्त सीखा तो यार जनरली कुछ भी नहीं, हल्की मोटी चीजें सीखी, जस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कैसे काम करना है, अच्छी किताबें पढ़ी, अनमोल वचन वहां के पढ़े, कामयाबी कैसी हासिल करनी है वो कुछ पढ़ा, और बस इतना ही यार, ऐसे ही दिन बीत गया पता नहीं। बाकी खाना सोना। सेकेंड थिंग, नुकसान क्या हुआ? नुकसान तो भाई कुछ भी नहीं हुआ, और एक चीज अभी नुकसान दिखाता हूँ। तो प्रेजेंटिंग नुकसान टू यू, नुकसान ये हुआ बिकॉज अभी यार 14 दिन में मैंने कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी करी नहीं, इस रूम से बाहर 1 या 2 दिन गया होगा बिल्कुल ही थोड़ा सा, और उसका नतीजा नहीं दिख रहा। और उसका नतीजा बहुत यार, अभी इतनी घोर जवानी में इतना बड़ा पेट बाहर आ गया है, तो टेंशन की बात है, बट एनी हाउ अपन मैनेज कर लेंगे। तो यही है भाई नुकसान, और तो कुछ नहीं हुआ, और तो बस यार फायदे बहुत है, मुझे खुद को जानने का मौका मिला कि कौन मैं हूँ एंड क्या मेरी क्षमताएं हैं, मुझे किन बातों पे फोकस करना चाहिए, किन बातों को अवॉइड करना चाहिए। इन 14 दिन में मैंने बहुत सी बातें अपने बारे में सोची एंड मुझे विश्वास है कि ये जो मैंने बातें अपने बारे में सोची है आने वाले टाइम पे मुझे डेफिनेटली मदद करने वाली है। ओहो बहुत टेस्टी ब्रेकफास्ट। ऑलराइट, एक और बात यार, इस कैंपस में रहते रहते मुझे अपने बचपन के दिनों की भी याद आई है, और जो पल मैंने स्कूल में और कॉलेज में बिताए थे, जनरली स्कूल में जैसे डेस्कों पर लिखना, ब्लैक बोर्ड पर लिखना,
या क्लास में शरारती करना, बहुत सारी यादें यार जो बचपन की स्कूल की थी वो भी अभी रिवाइव हो गई। सारी की सारी फ्लैशबैक में मैंने जाकर वो जिंदगी कहीं ना कहीं वर्चुअली जी ली कि जो मैंने आज से तकरीबन 10 साल पहले शायद जी थी। तो ये भी अच्छा पॉइंट एक रहा। सो गाइस अभी टाइम हो गए हैं 10:30, अभी मैं जा रहा हूँ हॉस्पिटल। पहले मुझे लगा था कि डॉक्टर यहीं पे क्वारंटाइन सेंटर में मेरे चेक करने के लिए आएंगे, बट अभी मेरी टेलीफोनिकली बात हुई तो उन्होंने मुझे अभी हॉस्पिटल आने के लिए कहा है, तो अभी मैं वहाँ जा रहा हूँ। चलो सो गाइस फर्स्ट स्टेप इज कम्प्लीट। अभी डॉक्टर ने मुझे कह दिया है कि ऑल गुड, अभी मैं यहाँ पे एंट्री करवा के घर जा सकता हूँ। तो दिस इज द प्रूफ। सो अभी मैं हूँ सर के ऑफिस में, तो क्लियरेंस अभी सर मुझे देने वाले हैं। तो सर क्या कहेंगे आप, मैं परफेक्ट ठीक हूँ ना मैं? अभी मैं जा सकता हूँ? हाँ, हमारे पास जो है श्री अनिल जी हमारे 14 दिन के क्वारंटाइन के भी क्वारंटाइन में रहे और इनको हमने गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल सहज में 14 दिन अपने ऑब्जर्वेशन में रखा और इन्होंने अपनी निष्ठापूर्वक और पूरी ईमानदारी से और पूरे अनुशासनात्मक अपना निभाते हुए इन्होंने 14 दिन का समय पूरा किया और आज 15वें दिन इनको वहां से घर भेजा जा रहा है। इनमें कोई भी किसी किस्म के COVID-19 के कोई भी साइन एंड सिम्टम नहीं है, इसलिए अनिल कुमार जी का हम धन्यवाद करते हैं और इनके लिए हमारी शुभकामना है। थैंक यू। थैंक यू सर। तो देखा आपने सर ने कितने अच्छे से कॉर्पोरेट किया है, ऐसा ही सर हर जगह कॉर्पोरेट कर रहे हैं। हमारी गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है, तो सपोर्ट आप लोग गवर्नमेंट को सपोर्ट करोगे तो सर मेरे भी बहुत ज़्यादा कॉर्पोरेट करेंगे। थैंक यू सर। ओके सो फाइनली और रिलैक्सेशन एंड अभी वजन भी मैंने किया, वजन मेरा टोटल है 65 kg, तो मैंने 7 kg यार 14 डेज में 7 kg गेन कर लिया है। टफ टाइम। सो पैकिंग इज डन। और राइट गाइस अभी सामान बहुत ज़्यादा है तो अभी शायद कंटिन्यूअसली ब्लॉग नहीं कर पाऊंगा। तो एक अच्छा सफर रहा, अभी निकलते हैं मंजिल की ओर। सो फाइनली आई एम इन होम एंड अभी फटाफट से नहा लूंगा और उसके बाद करूंगा वीडियो को क्लोज क्योंकि अब बहुत सारे काम करने हैं भाई। और राइट गाइस आई होप अभी मैं थोड़ा सा ठीक दिख रहा हूँ बिकॉज 14 दिन की घोर तपस्या के बाद अभी मैं नहा लिया हूँ। तो अभी नहाने के बाद सबसे पहले हम जाएंगे मंदिर और माता का भगवान का शुक्रिया अदा करेंगे यार कि अभी तक सेफ रखा, आगे भी सेफ रखना और अपना आशीर्वाद हम जनमानस पे बनाए रखना। सो ऑलराइट गाइस नाउ आई एम फीलिंग गुड, बहुत अच्छा लग रहा है यार। और अभी यार जब मैं घर आ रहा था तो मेरे माइंड में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस थे कि घर वाले कैसे रिएक्ट करेंगे और गांव समाज वाले आस पड़ोस के लोग कैसे रिएक्ट करेंगे, बट जिस तरीके से उन्होंने रिएक्ट किया वो यार दिल को बहुत खुश कर गया। घर वाले तो ऑब्वियस ही बात है यार बहुत खुश हुए और आस पड़ोस वाले भी काफी खुश हुए, सभी अपने बालकनी में आके हेलो हाई किया और दिस सेड मी दैट यू हैव सेट एन एग्जाम्पल फॉर अवर सोसाइटी। तो उनके मुंह से ये बात सुनना यार सच में ये आपको गर्वान्वित महसूस करवाता है और रियल में आपको लगता है कि यस यू डिड समथिंग गुड फॉर योर सोसाइटी। तो अभी काफी अच्छा लग रहा है और घर वाले भी काफी खुश हैं, तो अभी ढेर सारी बातें उनसे होगी और बाकी की चीजें अब करते हैं क्योंकि अब बहुत सारी चीजें ब्लॉग में लाना पॉसिबल नहीं है। तो आज की वीडियो को बस यहीं तक रखते हैं, मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ो लिखो नाचो गाओ झूमो फिरो घूमो जो करना है करो यार बिकॉज ये आपकी अपनी जिंदगी है। मैं आपसे मिलता हूँ अगले ब्लॉग में।